डियर स्टूडेंट, ये क्लास सिक्स साइंस का मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो है, इसमें साइंस का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हमारा चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो परिवर्तन होता है हमें उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारा नेचर है तो कहा ही जाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जो परिवर्तन है वो हमारा क्या है, प्रकृति का नियम है। यानी आप अपने आस पास देखते होंगे, देखिए यहाँ लिखा गया है कि एवरीथिंग चेंजेस अराउंड अस, इस यूनिवर्स में लगभग सभी चीजें क्या होती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर होती है। जैसे आप अगर हम खुद अपने बारे में बात करें तो जब हमारा बर्न हुआ होगा तो बहुत स्मॉल होंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते हुए आज हम इतने बड़े होंगे। आप प्लांटों को देखिए तो वो भी वहाँ पे वो चेंजेस होता है, ऐसा नहीं कि उसमें चेंजेस नहीं होता है, समय के साथ उसमें भी चेंजेस होता है। एक छोटा सा प्लांट होता है, बिल्कुल धीरे धीरे वक्त के साथ एक क्या होता है, काफी बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप सीजन भी देखते होंगे कि क्या होता है, टाइम के साथ चेंजेस होते जाते हैं। आप देखते होंगे कि डे का क्लाइमेट भी काफी क्या होता है, चेंज हो जाता है, जैसे मॉर्निंग में कुछ और नून में कुछ और, दोपहर के टाइम में और इवनिंग टाइम में क्या होता है, चेंज हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि नॉर्मल मौसम होने के साथ साथ अचानक तेज आंधियां चलने लगती हैं या फिर बारिश आने लगता है, ये क्या है, ये सारे चेंजेस है, ठीक है ना, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने अराउंड में फील कर सकते हैं। यानी कि इस एनवायरमेंट में या इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है लगभग उन सभी चीजों में टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंजेस होता है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, दोनों में ही चेंजेस होते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग। लिविंग में तो आप देख रहे हैं प्लांट का ग्रो करना, अगर हम एक सीड को क्या करें, अगर एक सीड को हम जमीन में कुछ समय के लिए छोड़ते हैं तो क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट करके एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है और फिर वो बेबी प्लांट धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या होता है, ग्रो करता है और एक ट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या हुआ, ये चेंज काफी स्लो था और इस चेंज को ऑब्जर्व करने में हमें काफी वक्त लग जाता है, ठीक है। कुछ चेंजेस बहुत फास्टली होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक पेपर को ले लीजिए, उसे बर्न कर दीजिए, तो बर्निंग जब पेपर होगा तो वो पहले पेपर था और अब किस में कन्वर्ट हो गया, अब हो गया आपका एस में, यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस क्या हुआ, काफी फास्ट हुआ, तो चेंजेस कुछ क्या होते हैं, काफी फास्टली होते हैं। तो हमें यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में सिर्फ चेंजेस के बारे में ही पढ़ना है। तो पहला चीज हम ये देखिए कि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जो चेंज है वो प्रकृति का क्या नियम है। सेकंड हम ये देख रहे हैं कि एवरीथिंग मतलब कुछ भी, एवरीथिंग मतलब सब कुछ समझ लीजिए, चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आस पास जो भी है वो सब कुछ चेंज होता है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। लिविंग का देखा, नॉन लिविंग का मतलब हमने बात किया पेपर का, आप देखिए पेपर को क्या कर दीजिए, पेपर को आप जलाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो सकता है। आप आइस ले लीजिए, ठीक है, आइस को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर में, ठीक है। और इस वाटर को अगर हम हीट कर दें तो ये आपको किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, ठीक है। तो इस चीज को देखिए, आप फिर हम चाहें तो पुनः वेपर को कूल करके वाटर में और वाटर को और कूल करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कूल करेंगे फिर यहाँ भी क्या करेंगे, इसको कूल करें या फ्रीजिंग कर दें तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। यानी कि देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है, आइस वाटर में, वाटर किस में हो रहा है, वेपर में। यानी चेंजेस लगभग चाहे वो हमारा लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब में चेंजेस होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें चेंजेस में क्या होता है, कुछ चेंजेस बिल्कुल स्लो हो जाती हैं, कुछ चेंजेस बहुत फास्टली होती हैं, ठीक है। जो चेंजेस स्लो होती हैं उनको ऑब्जर्व करने में हमें कुछ वक्त लग जाता है, ठीक है। कुछ रिवर्सल चेंज होते हैं, कुछ इरिवर्सल चेंज होते हैं, कुछ पीरियडिक चेंजेस होते हैं, कुछ नॉन पीरियडिक चेंजेस होते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वह है हम लोग का फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। तो हम यहाँ से एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ चीजों के बारे में। जब हम किसी सब्सटेंस पे हीट या फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उसके शेप या साइज में क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। क्लास नाइन्थ में आप जब पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि हम किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल किसी भी सब्सटेंस या मैटर को हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू या केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसे तीन पार्ट में क्या कर सकते हैं, उसके जो स्टेट है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। यानी किसी मैटर का जो स्टेट होता है वो थ्री स्टेट होते हैं, ठीक है। पहला हमारा है यहाँ से सॉलिड, सेकेंड हम लोग का लिक्विड और थर्ड है हमारा गैस,
ठीक है, तो हम किसी भी मैटर को इन तीनों स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें दो ही चीजों की जरूरत होती है, या तो टेम्परेचर नहीं तो किसका ही प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर यानी किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, हम उसके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं थ्रू द हीट टेम्परेचर। का मतलब यहाँ हीट से ये थ्रू द हीट और प्रेशर, या तो उसे हीट देके और नहीं तो हम प्रेशर देके क्या कर सकते हैं उसको, हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे उसमें तो पता जाएगा कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या गैस से डायरेक्ट किसमें जाता है सॉलिड में, जैसे कि आप कैम्फर ले लीजिए, कफूर, ठीक है, नेपथलीन है। तो खैर ये सब आगे की चीजें हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ हमें अपने जो डेली लाइफ में जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसी चेंजेस के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने ये बताया कि हम हीट या फोर्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं किसी सब्सटेंस के शेप या साइज में चेंजेस ला सकते हैं। सेकेंड हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिनके शेप और साइज में भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सर्टेन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना, और ये और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम जैसे मान लीजिए एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, और उस पेपर को हम पुनः क्या किए, एक पेपर है और उसको हमने कई टुकड़ों में उसे काट दिया, हम पुनः चाहें तो उस टुकड़े से उस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसके बारे में आगे जब पढ़ेंगे। तो अब देखिए, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म तब होता है जब हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस, यानी दो या दो से ज्यादा हम अगर सब्सटेंसों को आपस में मिक्स करते हैं तब एक न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम पहले बताए हैं पहले टॉपिक में कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जहां पे हम हीट या फोर्स को अप्लाई करके उसके शेप और साइज में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। इसका पहला देखिए हम एग्जांपल बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अपने शेप और साइज को रीगेन कर सकते हैं, मतलब दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप एक रबर की बॉल ले लीजिए, ठीक है, और उस रबर की बॉल पे हम जो ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जो ही हम फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स वहां से हटाते हैं, अप्लाई कर जो इफेक्ट ऑफ फोर्स लगाते हैं उसको हटाते हैं तो पुराने वाले शेप में क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, दूसरा हम कुछ ऐसे सब्सटेंस है जहां पे हम एक बार फोर्स को अप्लाई कर देते हैं तो वहां से उसका पूरा क्या होता है, जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आइस, अगर आइस को हम हीट कर दें तो किस में आ जाएगा, वाटर में। वैसे आइस को आप नॉर्मल टेम्परेचर इन्वायरमेंट में रखें तभी वो क्या आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। अब पुनः उसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से आइस को वाटर को आइस में लाने के लिए हमें कूल करना पड़ेगा, मतलब फ्रीजिंग करनी पड़ेगी, तभी वो उस कंडीशन में आ पाएगा। ठीक है, एक और चीज बताना था आप लोगों को कि देखिए, जब हम टू आर मोर देन टू सब्सटेंसों को आपस में जब हम मिक्स करते हैं तभी हमारा क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए चेंजेस के बारे में मैंने बताया, तो एक चेंज और आपने देखा होगा कि जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क में जब हम सम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को उसमें डालते हैं या थोड़ी सी दही डाल देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद लगभग 6 घंटों के बाद वह दही के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है इसमें दोनों ही चेंजेस को शो करता है, फिजिकल चेंज को भी शो करता है और केमिकल चेंज को भी शो करता है। इस एग्जांपल को हम बताएंगे आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज में। ओके,